वो पति है और वो पत्नी है। छोटी सोच बन चुका है, बन चुका है। नहीं ये इसका वो बनाया अभी सॉस, इसमें अच्छा। मैंने हाय गाइस गुड मॉर्निंग, पूजा हो चुकी है डन, ये रही मैं नहा धो के एकदम रेडी जिम के लिए। और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि मेरे को कल रात को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि मैंने अर्ली डिनर किया था और मेरा व्रत भी था, तो मैं ओट्स खा रही हूँ। ओट्स खा के फिर हम लोग निकलेंगे जिम के लिए, ब्लैक कॉफ़ी है साथ में। दिस नाउ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। अच्छी अच्छी सुबह है, सुबह सुबह नहाने में कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जिम में मिलता है। It's a big amount, na? It's 17,000 almost. I know that, sir. मुझे पता है कि रिगार्डिंग हमारे सर का रिगार्डिंग जो चला गया था कब किया, हमारे टीम को गलत अपडेट मिली है चला के एंड में, कि ये पढ़ा कि पहला थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस के रिगार्डिंग, इसलिए आपकी जो क्लेम है वो भी स्टार के एरर से रिगार्डिंग है और वो विड्रॉ भी हो गई थी बिकॉज आपकी ट्रैकिंग के लिए डिपार्टमेंट। हाय गाइस मैं आ गई थी जिम से, अब खा रहे हैं खाना, सब कुछ लेट चल रहा है क्योंकि हम लोग लेट उठ रहे हैं आजकल। अभी लंच कर रहे हैं, लंच में है ये, शाम को होगा तो कुछ तो फ्रूट्स और सब्जी वगैरह लेके आएंगे क्योंकि हम खा नहीं रहे हैं फ्रूट्स, तो बस अभी यही है फिलहाल, फोकस हेल्थ पे ही है तो यही दिखाऊंगी मैं व्लॉग पे। आज एकदम लो एनर्जी लग रही है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अभी एक ऑडिशन में आना है। अभी मैंने प्रोटीन पिया जो कि डार्क चॉकलेट का है, तो मेरी जो स्वीट की क्रेविंग्स होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब कि बीच में हमारा 2-3 दिन का गैप हो गया था ना जिम का, एक से लेके 4 तारीख तक, तो अभी फिर से वापस से शुरू किया, तो जिम का तो यही है आप थोड़ा सा गैप करते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी सी सोर होती है, बट स्टिल आई एम लाइक वेरी एनर्जेटिक बिकॉज बॉडी में लाइक आपको जब रिजल्ट शो होने लगते हैं तो आपको मज़ा आता है। और बस यार ऑडिशन है तो करते हैं कुछ और, कहीं तो चलेंगे बाहर। ओके तो अमेज़ॉन से ना पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमने जो सोफ़ा ऑर्डर किया था अभी तक उसका रिफ़ंड नहीं आया है, तो आज गीत ने जो आपने अभी वीडियो देखा गीत आज बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था, गुस्सा ऑब्वियसली आएगा यार इतने दिन हो गए, अमेज़ॉन वाले बहुत गंदा ये काम कर रहे हैं, अगर 3 वर्किंग डेज में नहीं आता है देन वी हैव टू टेक सम एक्शन नाउ, लाइक बहुत हो गया अभी तो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। हो गई मैं ऑडिशन रेडी, आज भी मैंने आईलैश लगाई है, ब्लश मैंने नहीं लगाया मैं फिर से भूल गई, बट स्टिल इट्स ओके, लाइक एंकर का कैरेक्टर है, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट। अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। लैश लगाई है नायका की जो कि है ये, इसकी लेंथ जो है वो मीडियम है, लाइक अगर आप लाउड आई मेकअप नहीं कर रहे हो तो आप ये वाला आई लैश लगा सकते हो, एंड दिस इज वेरी गुड। देवियों सज्जनों और कॉन्ट्रैक्टर भाइयों नमस्कार, गिफ्ट चैंपियनशिप में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हमारे कंटेस्टेंट्स हैं कानपुर से आदेश एंड झांसी से। तो ऑडिशन मेरा बन गया है, मेरा शूट भी हो गया है, ऑडिशन थोड़ा सा टफ था तो थोड़ा टाइम लगा, सॉरी एक मिनट। हाँ तो और अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने और थोड़े से फ्रूट्स लेने क्योंकि फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ मैं बहुत टाइम से, तो फ्रूट्स और सब्जी और पेट्रोल भरवाना है तो चलते हैं, बाकी देखते हैं अगर कहीं और मन किया तो उधर भी चल देंगे। संगीत तिवारी हरा हरा हरे रंग मैं हगे गंग का तोता हूँ, मैं हग हग के मैं सोता हूँ। क्या हुआ कहाँ जा रहे है? ज्वेलरी पहन रहे हो?
मेरी तो नहीं पहन, मेरे पैकेट में तुम्हारा ही क्या कर रहा है? बस एक ही है मेरा, उसे जोर से बोल जाती तो ये तुम भी पहनोगे? अगर तुम कभी कोई शर्ट पहनोगे तो तुम नहीं पहनोगे क्या पर्ल नेकलेस? बहुत प्यारा लगता है पता है, डीप नेक शर्ट, सिक्स पैक एब्स एंड पर्ल नेकलेस, उसी में रख देना वापस। क्या बता। अरे अरे ठीक है, कौन सा पहन रहे हो? अरे बाप रे कितने कॉम्प्लिकेशंस में रखा है। मुंह बंद करो, मुंह फोकस, फोकस कैमरा मैन फोकस, क्या है उनका डायलॉग? उफ उफ तेरी अदा, अरे 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 सर 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 एक सेल्फी देंगे क्या सर? सर प्लीज एक सेल्फी, सर सर एक सेल्फी, सर 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 प्लीज सर सर प्लीज। अगर कोई किसी सेलिब्रिटी से चिपक जाएगा तो सेलिब्रिटी नहीं धक्का दे सकता, वैसे करेगा तो ऐसा करेगा फिर। चलो चलते हैं, और है ही नहीं। हाँ हाँ थोड़ा और चाहिए क्योंकि और क्या? और एक लौकी फ्रेश है ना? लौकी फ्रेश है। अब क्या फ्रेश? अरे वो खराब है, लौकी कितने का पड़ेगा? क्या बोलो? बीस का पाव। बीस का पाव, ये तो शायद आधा हो गई होगी। ये लीजिए, ये पालक कितने की पड़ेगी ये वाली? बस अभी फिलहाल के लिए इतना ठीक है, नहीं तो फिर खराब होता है। पालक, शिमला मिर्च, लौकी, गाजर, नींबू कैसे दिए? नींबू अंकल, नींबू कितने के हैं? नींबू कितने का? 20 का 6, 7 का 10 का 3, 10 का 4। ये कितना था? 8, 20 का 16। आधा किलो ठीक है ना शिमला मिर्च? 20 के नींबू दी थी। टमाटर कितने के अंकल? 40 रुपए किलो। और प्याज? प्याज 40 रुपए। प्याज लो आधा किलो, प्याज ले लेना, प्याज दे दीजिए आधा के जी। टमाटर का दाम है ना सब चीजों से हाई हो चुका है। और मेरी सब्जी लेने की ड्रेस देखो। देखिए ये सब्जी की दुकान मॉडलिंग करने आई, रिलैक्स लग अच्छी रही हो, लेकिन ये सब्जी की दुकान पे आया अपन तो मैं शूट करके आई ना। डरे ये भी है, ये कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ क्योंकि तुमने लोअर टी शर्ट पहना है इसलिए तुम बोल रहे हो ना। नहीं नहीं सब्जी की दुकान पे सब्जी दुकान वाला ड्रेस होना चाहिए ना, कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम सब्जी लेने जाने वाले कपड़े। यस भाई साहब, अरे 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 सब लेट गए। अब हम फ्रूट्स लेंगे फिर घर जाएंगे। मेरे सामने फालूदा है जो मैं नहीं खा सकती, मेरे को डाइट नहीं करने का मन कर रहा। क्या बन रहा है आज? आज बन रहा है देसी टाइप का पास्ता, क्योंकि पास्ता डाइट में आता है इसके लिए मैं डाइट में। और इसकी रेसिपी जो है ना वो कुछ भी नहीं है, जैसे मैगी बनाते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही, बस इसमें बहुत सारी वेजीज डालना है और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालना है, सोया सॉस वगैरह हो तो वो भी डाल देना। और ये उबाल लिया, उबालने पर इसमें थोड़ा सा ये तेल डाल दो ताकि ये हो जाए, ठीक है? फिर प्याज डाल दो और शिमला मिर्च एक साथ डाल दो ताकि ये एक साथ हो जाए। वैसे तो प्याज डालनी चाहिए पहले, थोड़ा भूनना था फिर ये। नहीं लेकिन मेरे को थोड़ा सॉटे सॉटे खाना है, मतलब कि प्याज भी, हाँ मतलब बहुत ज्यादा कुक्ड नहीं खाना, हल्का हल्का कुक्ड खाना। तो बनने की बता दो जी।
मछली है ना, इनको भी हम डाल देंगे। इनको हमने बॉईल करके रखा हुआ था। ब्रोकली इसमें जाएगी तो ये और भी हेल्दी बन जाएगा। हेल्दी हमको खाना है, हमको अनहेल्दी नहीं खाना है। और यस, बन चुका है। नहीं, ये इसका वो बना है अभी सॉस। इसमें अच्छा। मैंने एक मिनट देखो, इसमें मैंने कॉर्न डाल दिए हैं। कॉर्न कॉर्न से टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। और उसके साथ में ना मैं बिल्कुल थोड़ा सा टोमेटो सॉस और विनेगर डालूंगी ताकि स्वाद थोड़ा बढ़ जाए, बहुत थोड़ा सा, नॉट लाइक अ लॉट। और उसके बाद लाइक पास्ता ये है रेडी। Like, पानी निकाल के मैंने रख दिया है, बस पास्ता मिक्स करूंगी। पास्ता का मसाला डाल दिया। पास्ता रेडी, वेट कर रहा हूँ जल्दी आओ। टेस्ट पता है इसका मसाला बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बिना मसाले का ज्यादा अच्छा बनता, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा है, ब्रेड दूं साथ में? ब्रेड अभी लूंगा, ले लूंगा। है पास्ता एक्चुअली ना, ये लोग दो दो तीन दिन अलग अलग फ्लेवर के लेके आ गए थे, तो वो अलग अलग फ्लेवर मिक्स हो गया है। टेस्टी है। हाँ, टेस्ट अच्छा है क्योंकि कॉर्न वगैरह डाल दिया ना। और सारी वेजिटेबल्स हैं तो हेल्दी भी है। डाइट में हम पास्ता खा सकते हैं क्योंकि ये सूजी पास्ता है, वेरी यमी। रहे हैं बिग बॉस और आज आने वाली है अंकिता लोखंडे की सासू माँ और इसकी विक्की की, मतलब विक्की की मम्मी और अंकिता की मम्मी दोनों आने वाले हैं। एंड भाई शी इज वेरी टॉक्सिक, लाइक विक्की जैन की मम्मी इज वेरी टॉक्सिक ना, मतलब उनका भी एक इंटरव्यू भी आया है पता है पिंक विला पे, इतना टॉक्सिक है। अरे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और विक्की ने ऐसा किया, विक्की ने हाथ उठाया वो ठीक है, लेकिन अंकिता ने अगर उसको कुछ बोल दिया तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो पति है और वो पत्नी है। छोटी सोच। तो हम अभी खाएंगे और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड नाइट कर लें। तो गुड नाइट गाइज और शबा के शुभ रात्रि एंड एवरीथिंग। बाय, प्लीज लाइक कर देना। बाय।